आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम कैसा था CDS का? ओवरऑल एग्जाम तो गया बढ़िया गया, इंग्लिश का पेपर जो था 9 से 11 वो भी बढ़िया गया, और सेकंड पेपर जो 12 से 2 था जनरल नॉलेज का वो भी ठीक ही। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल सकती है इंग्लिश की, डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, कितना हार्ड आया था? हार्ड तो नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब उतना इजी भी नहीं था, उतना हार्ड भी नहीं था। जनरल नॉलेज भी ठीक ही था। ठीक है, मुझे को एक 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 छोटी सी बात बताइए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आए थे इंग्लिश के पेपर में? अच्छा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे क्या, प्रीपोजिशन हो गया, ओके, लेटर माइनर हो गया, और जो स्पोर्टिंग एरर हो गया, सिनोनिम सेंटोनिम्स हो गया, और जंबल्ड वर्ड तो आता ही है। और जीके में? जीके में हमारा ये जो हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर से, ज्योग्राफी से हो गया, हिस्ट्री से भी था, और प्रेजेंट का बहुत सारा टॉपिक। करंट अफेयर्स मेनली कहाँ से आया है, रिसेंट से आया या लास्ट वन ईयर कैसे था? मेनली रिसेंट से ही आया, रिसेंट से आया था ज्यादातर। ठीक है, अब कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है आपको? कट ऑफ तो भैया नहीं बता सकते हैं कुछ, मुझे फिर भी जैसे कि 120 क्वेश्चन था 100 मार्क का, तो इंग्लिश में मान लीजिए कि 70-80 के आसपास था, और जनरल नॉलेज में भी उसी का था। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? अजय बिस्ट। कैसा गया था ओवरऑल एग्जाम? इंग्लिश का तो काफी सही गया, GS बहुत वाइड आया, वाइड आया था। अच्छा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आए थे एक बार बता सकते हैं? मेरी पर्सनली साइंस बहुत अच्छी नहीं है, पर GS में ज्योग्राफी अच्छा है, इकोनॉमिक्स अच्छा है, और पॉलिटी अच्छा है, तो वहाँ से मैंने कवर अप कर लिया। 40 से 45 क्वेश्चन ही टच कर पाया, उसके बाद बाकी नहीं हो पाया, 40 से 45 ही टच हो पाया। अच्छा, इंग्लिश में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ कहाँ से थे? आपका नाम क्या ओवरऑल एग्जाम कैसा था? अच्छा था, OTA के लिए इंग्लिश वॉज गुड, एंड फॉर GS ऑल्सो वॉज एवरेज। अच्छा, सेक्शन वाइज बता सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आए थे, जैसे इंग्लिश में कहाँ से मेजर टॉपिक्स आए थे? सो इन इंग्लिश ऑल द मेजर टॉपिक्स लाइक स्मॉल स्मॉल टॉपिक, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, सो व्हेन वी लुक फॉर द PYQs ओवरलैपिंग, एंड इन GK ऑल्सो या समवॉट स्पेसिफिक कुछ रहा है, नाम वगैरह, लेकिन कंसेप्ट। ओके, करंट अफेयर्स कैसा था? करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो देखना पड़ेगा। अच्छा, कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है आपको? कट ऑफ फॉर OTA आई थिंक लास्ट ईयर आल्सो 110 या 15 या, सो सेम एक्सपेक्टेड है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिएक्शन।